सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की या किसकी बात करें पार्टनरशिप की बात करें तो हम क्या करते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट बनाते थे। अगर हम बात करें फाइनल अकाउंट की तो यहाँ पर क्या प्रिपेयर करते, सबसे पहले क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। यहाँ पर भी हमने क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। नेक्स्ट क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। यहाँ भी क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। यहाँ से क्या आता था हमारे पास, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ से भी क्या आएगा हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद यहाँ से क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। और यहाँ से भी क्या आएगा हमारे पास, नेट प्रॉफिट। और जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा इसको कहाँ ले जाएंगे हम, नेट प्रॉफिट के अंदर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको कहाँ ले जाएंगे हम, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है ना। और कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे, कैपिटल के अंदर क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। अगर हम बात करें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे उससे क्या हमारे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पर पार्टनर क्या था, एक था, इसलिए हम एक ही कैपिटल में ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्टनर बढ़ जाते हैं तो हमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अलग अलग पार्टनर कैपिटल में। तो इसलिए हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जहां पर हर पार्टनर का हिस्सा अलग से निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना के उनके कैपिटल में डाल देंगे। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम। फर्स्ट अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस, परचेज किया, टू वेजेस किए, पे किए आपने, बाय सेल लिख देते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ क्या आता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट जब हमने उतार लिया, अब यहाँ जो भी इनकम होगी, बाय रेंट मिला है आपको, इंटरेस्ट मिला है आपको, तो सारी की सारी इनकम कहाँ लिख दोगे, यहाँ। और जो भी खर्चे, जैसे रेंट पे किया है आपने, सैलरी पे की है आपने, पोस्टेज वेजेस सैलरी पे की है, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट क्या करना है आपने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एक किस्म से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो यहाँ पर सिंगल ओनर था, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं थी, कैपिटल में सीधा ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पर पार्टनर बढ़ जाते हैं इसलिए हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। और यहाँ पर सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आएगी, जो ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड है सिर्फ उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा, तो यहाँ पर एक्स को और वाई को जो भी पे किया जाएगा वो लिख देंगे। टू कमीशन, अगर कमीशन पे किया जाएगा एक्स को वाई को, टू सैलरी पे की जाएगी तो ये लिख देंगे। अगर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर ड्रॉइंग चार्ज की गई है एक्स से या वाई से, तो वो चार्ज कर लेंगे। उसके बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आपका बच जाएगा उसके बाद, तो वो क्या कर देंगे, टू डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर में, उनकी शेयरिंग रेशियो में, एक्स में या वाई में। उसके बाद क्या बनाएंगे, जो अमाउंट आ गया उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और कैपिटल में क्या बनाएंगे, एक्स का और वाई का, ठीक है ना। ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, वाई, ठीक है ना। ऐसे इस साइड लिख देते हैं वाई और इस साइड लिख देते हैं एक्स, ये पर्टिकुलर आ जाते हैं फर्स्ट में, और यहाँ पर भी पर्टिकुलर। यहाँ क्या आ गया आपका, जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बाय बैलेंस बीडी, बीली मतलब पुराना जो बैलेंस था आपका, ओपनिंग बैलेंस था वो उतार लिया, ब्रोट डाउन कर लिया। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको मिला है, उसके बाद क्या मिला आपको, कमीशन, बाय कमीशन एक्स को वाई को, बाय सैलरी, यहाँ सैलरी दिखा दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का अमाउंट। उसके बाद चार्ज क्या किया गया आपसे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो यहाँ क्या दिखा दो, टू ड्रॉइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जैसे। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको दिखा देना, टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन, मतलब आप नेक्स्ट टाइम इसका क्या करोगे, यूज करोगे। तो ये आपने प्रोसीजर रखना है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है, महेश एंड रमेश आर पार्टनर, कैपिटल लगा रखी है 50,000 60,000 रिस्पेक्टिवली। तो कौन है, महेश है और रमेश है, दोनों क्या है, पार्टनर है। एक ने तो लगा रखे हैं 50,000 और एक ने कितने लगा रखे हैं, 60,000 लगा रखे हैं।
1 जनवरी 2016 महेश गिव्स लोन कितना दिया है? 10,000। और रमेश ने भी क्या दिया है? रमेश इंट्रोड्यूस 20,000 एडिशनल कैपिटल, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, महेश क्या देता है, लोन देता है, लेकिन रमेश क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है नई कैपिटल बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो भाई आपने स्टार्ट कब किया? आपने जब स्टार्टिंग की बिजनेस 1 अप्रैल को, तो एक तो रमेश था और एक कौन थे, महेश थे। रमेश ने कितने पैसे लगा रखे थे यहाँ पर? महेश ने लगा रखे थे 50,000, यहाँ पर लगा रखे थे 50,000। और रमेश ने कितने लगा रखे थे यहाँ पर? 60,000 लगा रखे थे। और जैसे ही कब आए, जनवरी की बात आई, यहाँ पर 1 जनवरी की बात आई, 1 जनवरी की बात आई, साल कब एंड हो जाएगा? 31 मार्च को साल एंड हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया इसने, यहाँ पर इसने तो क्या किया, एडिशनल कैपिटल, इसने दिया लोन। किसने दिया लोन यहाँ पर? जो लोन है वो महेश ने दिया है। तो यहाँ पर महेश के द्वारा लोन दिया गया, महेश ने कितने का लोन दिया यहाँ पर? 10,000 का लोन दे दिया हमारे को, ठीक है ना। और जो रमेश है उसके द्वारा 20,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, नई कैपिटल लेके आया है। लिखा है प्रॉफिट जो एंड द एंड कब हुआ ये? 31 मार्च 2016 कितना हुआ ये? 15,200। तो यहाँ पर हमारे को पता लगा कि प्रॉफिट कितना हुआ हमारे को, 15,200 हुआ, ठीक है ना। लिखा है देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कोई डीड नहीं बनाई, बोथ महेश एंड रमेश एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे को क्या दिया जाना चाहिए, 10% जो लोन हमने दिया है या एडिशनल जो कैपिटल लगाई है, एडिशनल कैपिटल एडवांस बाय देम जो दी है हमने। तो यहाँ पर क्या कहता है, महेश और रमेश दोनों के दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे को क्या मिलना चाहिए, 10% क्या मिलना चाहिए जो हमने लोन दिया। लोन किसने दिया था ये? महेश ने लोन दिया था कि मेरे को 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और कैपिटल के ऊपर भी कहता है, जो किसने लगाई थी, रमेश ने लगाई थी, कि मेरे को 20,000 पे भी 10% रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन आपने शो करना है कि आप प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करोगे, और साथ में आपने रीजन देना है। तो सबसे पहले तो ये चीजें हैं कि आपने अगर कैपिटल लगाई है और कैपिटल के ऊपर आपने कोई डीड नहीं बना रखी, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा। उसके बाद कहते हैं जी आपने कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे डिसाइड नहीं की, चाहे आपने कैपिटल कम या ज्यादा लगा रखे, तो हम क्या करेंगे, इक्वल रेशियो के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इसने जो कैपिटल लगाई है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा, लेकिन लोन दिया है इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई नहीं है तो कितना दे देंगे हम? 6%। और ये कब दिया है? 1 जनवरी को। तो कितने महीने यूज हुआ है? 3 महीने यूज हुआ। अगर हम बात करें, 10,000 का अमाउंट था, 6% से दिया गया, और कितने, 3 महीने का दिया गया, 3/12 कर देते हैं, ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। अगर हम बात करें 6 6 को 2 से, ठीक है ना, 12, और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 500, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 1,500 हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है, 3 महीने का 1,500 बनेगा, 2 जीरो, सो ये 50 बनेगा, ये कितना बन जाएगा, 150 बनेगा, 150 बनेगा, ठीक है ना, 150 क्या बनेगा आपका, इंटरेस्ट बनेगा। अब क्या करोगे, अगर ये पार्टनर का क्या है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अगर आउटसाइडर पार्टी से लेते तब भी आपको पे करना पड़ता, इसीलिए इंटरेस्ट लगाया जाता है कि लोन के ऊपर। लेकिन ये एज ए पार्टनर उसको नहीं मिल रहा है, एज ए आउटसाइडर उसको मिल रहा है। तो ये हमारा पार्ट जो हम क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, एज ए चार्ज है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो फिर भी हमें देना पड़ेगा। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे इसके लिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, बाय ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट कितना दिया हुआ था हमारे को, 15,200। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 15,200, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, अब क्या करोगे, आप पे करोगे, क्या पे करोगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन के ऊपर कितना, 150। तो बाकी क्या बच गया, टू नेट प्रॉफिट, कितना बच जाएगा नेट प्रॉफिट, ये हमारे पास कितना है, 1,500, 1,500 में से 150 गए, ये बच गए 1,550, ठीक है ना, 1,500 था,
ये कितना हो जाएगा, 1550 हो जाएगा, 15,050 रुपये, ठीक है ना। ये हमारे पास अमाउंट बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15,200, ये कितना हो जाएगा 15,200। अब क्या बनाओगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। और एप्रोप्रिएशन में क्या आ जाएगा आपके पास, एक तो आपके पास आ जाएगा ये अमाउंट, ठीक है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास 15,050, क्योंकि 150 तो हम डिवाइड कर चुके हैं, तो 15,050 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ देना नहीं हमने पार्टनर को, तो क्या करेंगे, टू डिस्ट्रीब्यूट या टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अमाउंट इनटू पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 1:1, तो क्या मिलेगा एक्स को, यहां पर कौन है एम है और कौन है आर है, दोनों किस रेशियो में दिया जाएगा, 1:1 के अंदर दिया जाएगा। तो हमारे पास अमाउंट कितना है 15,050। अगर हम बात करें 15,050 की और इसको दो पार्टों के अंदर डिवाइड कर लें, तो हर हिस्से में कितना आएगा हमारे पास, 7,525, कितना आएगा 7,525। तो 7,525, 7,525 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये कितना हो जाएगा हमारा 15,050, दोनों को क्या कर देंगे हम, टोटल कर देंगे, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, एंडिंग लाइन लगा देंगे 15,050, ठीक है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।